Assalamualaikum friends, it's Shweb here from fxforever.com and guys, आज हम बात करेंगे candlesticks की. candlesticks की क्या strategies हैं, उनको किस तरह से analyze किया जाता है. लेकिन वो बताने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारी website है fxforever.com और यहाँ पर आप देखें हमारा first slider win gold bar lucky draw free by XM. यस गाइस, अगर आप इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि किस तरह से आप XM के लकी ड्रॉ में शामिल होकर 20 ग्राम सोना हासिल कर सकते हैं जिसकी मालियत है 1500 से ज़ाइड, यानी कि $1500 या इससे भी ज़्यादा इसकी मालियत है. तो अगर आप ये लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं और 20 ग्राम सोना जितना चाहते हैं जिसकी मालियत 1.5 लाख से ऊपर है, तो आप इस स्लाइडर पे क्लिक कीजिए या फिर यहाँ गेट इट नाउ बटन पे क्लिक कीजिए, तो ये आपको एक पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जिधर हमारी वीडियो प्ले हो जाएगी. और इसके अलावा गाइस, हमारी वेबसाइट पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको हमारे फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स दिखाई देंगे. आप चाहें तो इन फॉरेक्स सिग्नल्स को कॉपी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और इंशाल्लाह हमेशा ये फ्री ही रहेंगे. इसके अलावा अगर आप हमारे फॉरेक्स सिग्नल्स की इस कैटेगरी में चले जाते हैं, तो यहाँ पर आपको रीसेंट सिग्नल्स भी मिलेंगे जो कि हमारी क्लोज पोजिशन है कि उनका क्या रिजल्ट बना था. अगर आप हमारे वीकली टिप्स देखना चाहते हैं तो आप इस फॉरेक्स सिग्नल्स की कैटेगरी से देख सकते हैं. और मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इस फॉरेक्स सिग्नल्स वाले पेज को बुकमार्क कर लीजिए और हर थोड़ी देर बाद यहाँ पर चेक करते रहा करें कि कोई न्यू सिग्नल आया है या नहीं. और इसके अलावा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपडेट कर देते हैं जब हम सिग्नल देते हैं. अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें इस व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज कीजिए और हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे. इसी के साथ गाइस, हमारा ये यूट्यूब चैनल है FX Forever. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी जितनी की जितनी वीडियोज़ हैं वो आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाया करेगी. इसके अलावा हम मैनुअली भी जो है आप लोगों को ईमेल करते हैं, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक ईमेल चाहते हैं एट द सेम टाइम जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप यहाँ से चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर गोल्ड के बारे में आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो वीडियो यहाँ पर भी अपलोड हुई हुई है. ये देखिए XM लकी ड्रॉ लो गोल्ड स्प्रेड. अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं. इसके अलावा ये हमारी प्लेलिस्ट देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स इन उर्दू हिंदी. अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं. अगर आप न्यू हैं फॉरेक्स में तो आप ये प्लेलिस्ट वॉच करके फॉरेक्स के बारे में बेसिक नॉलेज हासिल कर सकते हैं. बाकी एडवांस ट्रेनिंग हमारी टेक्निकल एनालिसिस में, बहुत जल्द हम फंडामेंटल एनालिसिस और भी बाकी प्लेलिस्ट बनाकर आपको प्रोवाइड कर देंगे. सारी की सारी चीज़ें fxforever.com पर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. सो गाइज, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि व्हाट इज कैंडलस्टिक एक्चुअली. गाइज, कैंडलस्टिक एनालिसिस एक बहुत ही बड़ी टेक्निकल एनालिसिस का एक हिस्सा है. अगर आप इसको समझ लेते हैं तो यकीन कीजिए गाइज, आप जो 10-10 इंडिकेटर लगा रहे होते हैं अपने चार्ट पे, आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं. कैंडल्स खुद बताती है कि हमने मार्केट का ट्रेंड क्या लेकर जाना है. यानी अगर बाय होनी होगी मार्केट तो वो आपको खुद बताएगी कि अब हमने बाय जाना है, और सेल जाना होगा तो वो खुद बताएगी कि हमने सेल जाना है. अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को कम्प्लीट वॉच कीजिए. इंशाल्लाह आपको यहाँ से एक एक चीज़ A to Z बताई जाएगी कैंडल्स के बारे में, और भी बाकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी सारी सिखाई जा रही हैं और कुछ सिखाई जा चुकी हैं. अभी हम कैंडलस्टिक एनालिसिस के कोर्स को लेकर चल रहे हैं जो कि ये भी उर्दू ज़बान में और फ्री ऑफ कॉस्ट है. सो गाइज, अगर आपने कभी मीटर ट्रेडर प्लेटफॉर्म ऑन किया हो तो आपको वहाँ पे कुछ कैंडल्स नज़र आ रही होती हैं चार्ट पे. सो गाइज, दो तरह की कैंडल्स होती हैं हमेशा ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा दो तरह की कैंडल्स होती हैं. एक होती है बुलिश कैंडल और दूसरी होती है बेरिश कैंडल. ये जो आपको ग्रीन कलर की बॉडी नज़र आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल. बुल जो क्या एक एनिमल है उसी के नाम से ये बनी है बुल कैंडल, जिसको हम बुलिश कहते हैं फॉरेक्स में. और उसी बराबर में जो आपको रेड कलर की राइट हैंड साइड पे कैंडल नज़र आ रही है उसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल, जो कि सेल को डिटरमाइन करती है, जो कि डाउन ट्रेंड को डिटरमाइन करती है. डाउन ट्रेंड या जो सेल वाली कैंडल होती है हम उसे फॉरेक्स की ज़बान में बेरिश कहते हैं, यानी बेयर भालू, और उसी को बेरिश कहा जाता है. सो गाइस, अब अगर आप नोट करें यहाँ पर तो इस कैंडल के ऊपर कुछ एक डंडी टाइप की निकली हुई है. ये चीज़ ये क्या चीज़ है गाइस? इसे विक कहते हैं और शेडो भी कहते हैं. ऊपर वाली विक को फॉरेक्स की ज़बान में अपर शेडो भी कहा जाता है और नीचे वाली को लोअर शेडो. लेकिन मैं जो उसको कहता हूँ और भी जो बहुत सारे बाकी लोग कहते हैं, वो उसको विक कहते हैं. आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई लोग इसको डंडी कह रहे होते हैं कैंडल की, कुछ लोग इसको शेडो कहते हैं, कुछ लोग विक कहते हैं. मैं इसको विक कहता हूँ, बाकी आपकी जो मर्ज़ी, आप कुछ भी कह सकते हैं. और सेम वही बेरिश कैंडल के साथ भी है. ये इसकी विक है या अपर शेडो, ये इसकी विक है या लोअर शेडो, और बीच में जो ये बॉक्स बना हुआ है इसे हम कहते हैं बॉडी. हर कैंडल का जो बीच वाला ये हिस्सा होता है हमेशा ये बॉडी कहलाता है. कुछ बॉडी बड़ी होती हैं, किसी की विक लंबी होती हैं, कुछ कैंडल ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, यानी उधर बाय या सेल का जो भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस वजह से उसकी विक नहीं होती, इसको मारुबुजो कहते हैं. तो हम आगे चल के सीखेंगे कि उससे किस तरह से मार्केट को समझ सकते हैं. तो अभी आपको बताने का मतलब ये था
कि हर कैंडल के ऊपर ये जो डंडी निकली होती है हम इसे विक कहते हैं फॉरेक्स की ज़बान में, और ये जो सेंटर में जो उसकी ये बॉक्स जो बना होता है मार्केट का, इससे हम कहते हैं बॉडी। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको कैंडल्स का पता लग गया होगा कि व्हाट इज़ विक एंड व्हाट इज़ बॉडी इन कैंडलस्टिक्स। सो गाइज यहाँ पर देखें, हर कैंडल में चार चीज़ें होती हैं। आपने इन चार चीज़ों को आज सही से समझ लेना, ताकि क्योंकि मैं आगे जब थोड़ा एडवांस चलूँ कैंडलस्टिक पे तो आपको परेशानी ना हो कुछ भी समझने में। ये देखिए गाइस, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये इसका अपर शेडो है या विक कह लीजिए या डंडी कह लीजिए, या इसको लोअर शेडो कह लीजिए, विक कह लीजिए, डंडी कह लीजिए, जो मर्जी, और ये बॉडी है। ये तीन चीज़ तो हम पीछे कवर कर चुके हैं, लेकिन इसमें हर कैंडल में ये चार चीज़ें होती हैं, हाई, क्लोज, ओपन एंड लो। अब अगर बुलिश कैंडल की बात की जाए जो कि बाई की कैंडल कहलाती है, उसमें चार चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो ये देखिए गाइस, जहाँ तक हमारी ये कैंडल गिरी थी वो हमारा लो प्राइस था, इसे हम कहते हैं लो प्राइस। जितनी हाई तक ये जाती है, जितनी टॉप तक जाती है, जो फाइनल इसकी पोजीशन होती है जिससे ये और ऊपर नहीं जाती, उसे हम कहते हैं हाई प्राइस, यानी कि इसकी मैक्सिमम प्राइस है, सुपर ये कैंडल नहीं गई। जिधर ये कैंडल क्लोज होती है हम उसे कहते हैं क्लोज प्राइस, और जिधर से ये कैंडल ओपन हुई होती है हम उसको कहते हैं ओपन प्राइस। ये चीज़ें गाइस एक जगह आप लिख लीजिए कहीं पर, या तो इसी वीडियो का इस हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में याद रहे, क्योंकि आगे चल के बहुत चीज़ें काम आएंगी। अब सेम वही चीज़ें बैरिश कैंडल के साथ भी हैं। ये हिस्सा इसका हाई का है, ये हिस्सा इसका ओपन का, ये वाला जो पार्ट है इसका क्लोज का है इस कैंडल का, और ये इसका लो प्राइस है। ठीक है गाइस, लेकिन बुलिश में क्लोज टॉप पर होता है, लेकिन बैरिश कैंडल में ओपन हमेशा टॉप पर होता है, क्लोज इसका नीचे होता है, जबकि बुलिश में क्लोज ऊपर होता है और ओपन नीचे होता है। क्योंकि बाय की कैंडल जो बनती है वो जाती है नीचे से ऊपर, तो इसलिए इसका ओपनिंग प्राइस नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, लेकिन सेल की कैंडल ऊपर से नीचे आती है, इसी वजह से इसका ओपनिंग प्राइस टॉप पर होता है कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई और यहाँ तक जाके क्लोज हुई, तो इसलिए इसका क्लोजिंग नीचे और ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको गाइस समझ में आ गई होंगी। लेकिन मेन चीज़, कैंडलस्टिक से ट्रेड किस तरह की जाती है, कैसे समझा जाता है कि कैंडलस्टिक्स क्या बता रही हैं। इस वीडियो में खैर मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ कैंडलस्टिक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताना है, और इससे ट्रेड किस तरह से की जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज़ों को इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास सोना है, ठीक है, आपके पास सोना है, एक ग्राम भले कुछ भी, एक ग्राम अगर आपके पास सोना है, आप जाते हैं उसको सेल करने। अब मार्केट में जो करंट कंडीशन चल रही है वो चल रही है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी, ठीक है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हुई थी, और इसकी जो प्राइस अभी करंट जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो चल रही है भाई $250, ठीक है, जहाँ पर मार्केट क्लोज हुई उसकी प्राइस चल रही है $250, और जिधर से ये मार्केट ओपन हुई थी, यानी यहाँ जिधर से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी उस वक्त प्राइस चल रही थी $200, और सबसे लो जो प्राइस है इस कैंडल का वो है फॉर एग्जांपल $100, और जो सबसे इसका हाई प्राइस है, ज़रा गौर से समझिएगा, जो सबसे इसका हाई प्राइस है वो है फॉर एग्जांपल $350। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है और आप उसको मार्केट में सेल करने जा रहे हैं। अब शॉपकीपर आपसे कहता है कि भाई अभी जो करंट जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, यानी जहाँ पे ये मार्केट अभी क्लोज हुई है वो प्राइस चल रही है $250, तो लिहाजा तुम मुझे $250 के हिसाब से अपना जितना भी गोल्ड है मुझे बेच दो। अब आप क्या करेंगे, आप खुद सोचें। आप कहेंगे कि ठीक है, अभी जो करंट प्राइस चल रही है उस हिसाब से तुम मुझसे गोल्ड ले लो, $250 के हिसाब से आप देने लगोगे। जब आप उसको गोल्ड निकाल के दे रहे होगे, उतने में फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई दोस्त आ जाता है, वो कहता है कि अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या आपको मालूम नहीं कि गोल्ड का प्राइस अभी कुछ टाइम पहले $350 तक गया था और आप इसको जस्ट $250 में सेल कर रहे हो, अब आप क्या करोगे। अब वो दुकानदार आपको कन्वेंस कर रहा है कि भाई मुझे $250 में सेल कर दो,
जबकि आपका दोस्त क्या कह रहा है कि भाई इसका प्राइस तो एक वक्त था कि $350 तक गया था, तो तुम क्यों उसको $250 में बेच रहे हो। अब शॉपकीपर आपसे कहता है कि ठीक है, आपका फ्रेंड ठीक कह रहा है, इसके प्राइस वाकई में $350 तक गए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस गोल्ड का रेट $100 आ गया था, तो मैं तो आपको $250 का रेट दे रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे $250 में आप अपना गोल्ड सेल कर दो। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि मार्केट का एक वक्त था कि प्राइस $350 थी, तो एक वक्त था कि इसका प्राइस $100 भी था, तो आप मुझे $250 के हिसाब से गोल्ड अपना सेल कर दो जो अभी करंट प्राइस चल रही है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप सोच रहे हैं कि यार मैं $250 में सेल तो कर दूँ, लेकिन क्या पता गोल्ड का प्राइस कल को $350 पर अगेन चले जाए या इससे ऊपर ही चले जाए, मैं क्यों उसको $250 में दे दूँ। लेकिन क्या पता मैं वेट करूँ कि नहीं यार कुछ टाइम बाद सेल करूँगा और उस वक्त जो है गोल्ड का रेट गिर के $100 पर आ जाए, तो फिर तो मुझे नुकसान होगा, जो मुझे $250 अभी मिल रहा है वो मुझे बाद में वो भी क्या पता नाम नसीब हो। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि आपको कैंडलस्टिक्स समझनी नहीं आती। अगर आपको पता होता कि कैंडलस्टिक्स को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, तो फिर आपके जहन में खुद आ जाता कि भाई मुझे वेट करना चाहिए $350 आने का, या मुझे अभी $250 में सेल कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपको कैंडलस्टिक्स समझ आने लग जाएंगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई अब अपकमिंग डेज में मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है। अगर अप जाना होगा तो आप लाजमी है कि आप फिर नहीं बेचोगे, आप थोड़ा वेट करोगे कि $350 तक इसका प्राइस ज़रा टच हो जाए। और अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ नहीं, अब तो मार्केट ने और मज़ीद नीचे गिरना है, तो आप $250 में देकर ही साइड में हो जाओगे। यही चीज़ हमने आज सीखनी है। कुछ टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा और इंशाल्लाह उसको लाइव में MT4 में भी आपको दिखाऊंगा। खुद वो आपको बता रही होगी कि भाई हमने कब कहाँ जाना है, यानी कि हमारी जो नई कैंडल फॉर्म होगी वो टॉप पर जाएगी या वो लो प्राइस पे जाएगी, और कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे आएगी, सब के सब वो खुद बता रही होगी। तो उस हिसाब से फिर आप अपना बाय और सेल करेंगे। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ जो आज आपको मैंने बताया कि व्हाट इज़ कैंडल से कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप, उस ग्रुप में भी आप कोई भी चीज़ आपको जो ना समझ में आई हो पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उधर एडमिन्स भी हैं, मेंबर्स भी हैं, कोई ना कोई आपकी इंशाल्लाह हेल्प कर दिया करेगा। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। और गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइज, हम आपके लिए इतनी देर तक वीडियो बनाते हैं जिससे हमें घंटा लग जाता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, समटाइम तो 4 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। तो गाइज, एक कुछ फेवर किया करें हमारे लिए, कम से कम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, हमारी वीडियो को लाइक कर लिया करें और हमारे वीडियो को शेयर किया करें। क्योंकि देखें, हम फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, बाकी लोग कुछ चार्ज करते हैं या कुछ उनकी कोई ना कोई शराइत होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। तो आप दूसरे लोगों का भी भला करें कि उनको भी फ्री की ट्रेनिंग मिल सके। ये मैंने अभी कोर्स स्टार्ट करा है कैंडल एनालिसिस का, तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप फ्री में ट्रेनिंग लेने में हेल्प करेंगे। सो गाइज, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ कैंडलस्टिक्स के राज बताने वाला हूँ। तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ईमेल हमें सेंड कर दें, ताकि हम आपको सारी की सारी वीडियोज़ ईमेल भी कर दिया करें। सो गाइज, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।